वेलकम टू चार्ट ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में हिस्टोरिकल डेटा फेच करेंगे यूजिंग हिस्टोरिकल एपीआई ऑफ काइट। सो हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा चाहिए काइट एपीआई से, तो आपको हिस्टोरिकल एपीआई में आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसका भी चार्जेस है 2000 रुपीज पर मंथ। ओके, सो अगर आपको अल्गो ट्रेडिंग करना है और अगर आप हिस्टोरिकल एपीआई आपको यूज करना है, तो आपको 4000 रुपीज पर मंथ आपको काइट को पे करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अभी हिस्टोरिकल एपीआई में सब्सक्राइब किया है और ये मेरा सब्सक्रिप्शन है। आप यहाँ पे हिस्टोरिकल एपीआई का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख सकते हो, कौन सी टाइम फ्रेम है, आपको क्या मिनट पास करना है। ओके, सो वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उन लोगों ने प्रोवाइड किया है। सो हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था, ठीक है, टोकन मैपिंग। तो हमने इंस्ट्रूमेंट को डंप किया था और ये टोकन लुक अप फंक्शन, ये गेट इंस्ट्रूमेंट डेटा बाय सिंबल बाय टोकन, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमने डंप किए थे और उसका टोकन हमने फेच किया था ये इंस्ट्रूमेंट के लिए। ओके, सो हमने ये सारा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, आई टिकर्स, ओ टिकर्स, एम टिकर्स एंड करेंसी टिकर्स, तो उसको मैंने अलग अलग वेरिएबल में स्टोर किया था, टोकन, टोकन वन, टोकन टू और टोकन थ्री। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वन बाय वन उसको फैच करके मैं सारे टोकन को एक ही डिक्शनरी में, ऑल टोकन में मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, सो पहले मैंने टोकन्स का सारे सिंबल ऑल टोकन में ऐड किया, फिर टोकन वन के, टोकन टू के और टोकन थ्री के, और मैंने यहाँ पे उसको मैंने प्रिंट किया है। अब यहाँ पे मैंने एक फोर लूप लिखी है जिसमें मैंने ये फंक्शन को कॉल किया है, गेट ओ एच एल सी डेटा काइट, और मैंने आई पास किया। तो आई मतलब कि क्या है, इंटरवल है, 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट का मुझे डेटा वो शेयर करेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, गेट ओ एच एल सी डेटा काइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया है, आप एक हमारा जो डेटा है वो ये वेरिएबल में स्टोर होगा, एफ अंडरस्कोर फाइनल डेटा फ्रेम है। अगर 1 मिनट है तो इंटरवल का नाम मैंने क्या रखा है, मिनट, क्योंकि ज़ीरोडा की सिंटैक्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरवल 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, अगर सिंपल है तो मिनट है, तो मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, मिनट। ओके, सो यहाँ पे मैंने मिनट है, अदरवाइज मैंने क्या किया है, सी डी यू जो हम पास कर रहे हैं उसके साथ मैंने मिनट को अपेंड किया है। तो हमारा डेटा फ्रेम जो डेटा होगा उसका हेडर का नाम क्या रहेगा, टिकर प्लस अंडरस्कोर मिनट, तो ये हमारा हेडर का नाम है डेटा फ्रेम जब डेटा रिसीव करोगे। ये कॉलम है डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज। अब फंक्शन का जो नाम है वो है काइट हिस्टोरिकल डेटा, सो काइट डॉट हिस्टोरिकल डेटा। आर्ग्यूमेंट क्या है, टिकर, टिकर मतलब कि क्या है आपका टोकन, स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम। तो मैंने एंडिंग टाइम टुडे रखा है, स्टार्टिंग टाइम टुडे माइनस 5 डेज, क्योंकि यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन क्या रखा है, 5 डेज। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चेंज कर सकते हो। और लास्टली हमने क्या पास किया है, इंटरवल। ओके, और कॉलम इक्वल टू कॉलम नेम्स, जो हमारे कॉलम नेम्स हमने यहाँ पे डिफाइन की है। फिर मैंने डेट को रीनेम किया है टाइम स्टैम्प, उसको मैंने इंडेक्स बनाया है और मैंने यहाँ पे उसको प्रिंट किया है। सो सिंपल एक लाइन से, हिस्टोरिकल डेटा से आप डेटा फैच कर सकते हो, ठीक है। सो अगर हम इसको रन करते हैं एक बार, सेशन जनरेटेड आप देख सकते हो, ये हमारे टोकन है, ये टोकन मैपिंग है आप देख सकते हो। ओके, और लास्ट में मैंने यहाँ पे ऑल टोकन प्रिंट किया है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे सारे टोकन है, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 1 मिनट का डेटा, ये डेटा है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओके, सेम वे आप यहाँ पे सिंपल एक देख सकते हो जो करेंसी है और क्रूड है, ठीक है, ये 9 o'clock को स्टार्ट होता है, तो वो 9 o'clock से आपको डेटा दे रहा है। ओके, ये 3 मिनट का डेटा है, वैसे ही यहाँ पे 2 मिनट का डेटा है, आप देख सकते हो 9:09 to 9:04। ओके, अगर अपन अगर निफ्टी है या फिर स्टॉक है तो 9:15 से होगा स्टार्ट, ठीक है। सो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे उन लोगों ने 2 मिनट मेंशन नहीं किया है, बट काइट कनेक्ट जो काइट डॉट हिस्टोरिकल फंक्शन है वो 2 मिनट का डेटा भी रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और
अगर आपको मतलब कि वो लोग डेली बेसिस पे आपको एक्सपायर फ्यूचर के शायद आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं, वो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर इट। बट यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल जो करंट मंथ के जितने भी फ्यूचर है, ओके आप उसके टोकन और उसके डेटा आप फैच कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट यहाँ पे है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अभी तो मार्केट क्लोज है तो ये 19 अगस्त तक का आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर मंडे सपोज मार्केट ओपन हुआ और 235 को मैं ये एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे वो 235 पॉइंट तक के डेटा देगा, ठीक है। सो अगर आपको आपका अल्गो सिर्फ OHLC पे है तो आप डायरेक्टली ये डेटा से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो आपका अल्गो, ठीक है। आपको वेब सॉकेट के से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वेब सॉकेट से आप लाइव डेटा फैच करोगे उसको OHLC में कन्वर्ट करोगे, वो प्रोसेस की जरूरत नहीं है। अगर मैं 235 तक एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मुझे 235 तक का आप मुझे डेटा वो 0 डा देगा, ये हिस्टोरिकल API, ठीक है। सो एक सिंपल वीडियो था जहाँ पे मैंने हिस्टोरिकल डेटा फैच किया है यूजिंग हिस्टोरिकल API ऑफ काइंड। इफ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ अदर्स। थैंक यू।